मेरा संदेह उचित था। तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ वानर कि मैं छद्मवेश में असुर हूं? तुमने कहा था ना कि तुम प्रभु महादेव की पूजा कर रहे हो, परंतु ये मंत्र तो अशुद्ध है। ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः। तब मैंने सोचा कि कदाचित तुम्हें मंत्रों का उचित ज्ञान नहीं है, परंतु फिर तुमने तिलक के लिए सिंदूर अपनी अनामिका उंगली के स्थान पर अंगूठे से उठाया। जिससे मुझे विश्वास हो गया कि तुम वो नहीं हो जो तुम दिखा रहे हो। तो अब बताओ कौन हो तुम? तुम्हारी मृत्यु हूं मैं। ये लट्टू तो मुझे अपनी ओर खींच रही है। मेरे हथियार की परिधि में जो भी आया वो कभी बच ना पाया वानर। तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हो ना? अब ना तुम्हारी बुद्धि बचेगी और ना ही तुम्हारा ये पर्वत के समान शरीर। बचेगा तो मात्र तुम्हारा कंकाल। सर्वप्रथम मुझे इस लट्टू को रोकना होगा। इसकी घूर्णन क्षमता तो रुकी नहीं रही। वानर, तुम अपनी वानर बुद्धि का प्रयोग करते रह जाओगे, परंतु अपने समीप आते इस मृत्यु को नहीं रोक सकोगे तुम। इसका प्रभाव तो मेरी ओर बढ़ रहा है, मुझे इससे बचना होगा, किंतु कैसे? ये लट्टू संचालित डोर। मुझे कोई युक्ति लगानी होगी। सखा Thank you.
वानर। अब तुम्हारी लट्टू संचालित डोर मेरी ओर है। मुझे वो वापस दे दे वानर। मेरी लट्टू संचालित डोर मुझे वापस दे वानर, दे मुझे वापस वानर, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं वानर। अब हनुमान इसी के अस्त्र से इसका संहार करेगा। इस लट्टू को और कोई नहीं चला सकता वानर, तुमने स्वयं अपनी मृत्यु को अपनी ओर खींच लिया है वानर। अब नहीं बच सकता तू वानर। क्रोंचा का अंत हो गया, इसका अर्थ है अवश्य कोई भयंकर शत्रु लंका नगरी में प्रवेश करने की योजना बना रहा है। परंतु इस लंकिनी के होते हुए इस लंका भूमि पर कोई पांव तक नहीं रख सकता। ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगी, वो जो कोई भी हो। लंकिनी के हाथों उसकी मृत्यु निश्चित है। लंकिनी नाम है मेरा, लंका की सुरक्षा कार्य है मेरा। Thank you.
चंद चौकस नगरा, रात्र दिवस आठों पहरा, देख पवन सुत मन में विचार, हर लो आ लघु आकार। राम सिया राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान की ये युक्ति अवश्य सफल होगी, अब मुझे कोई नहीं देख पाएगा। जय श्री राम। ये किसके विकराल नेत्र हैं जो इतने उग्र भाव से हनुमान को देख रहे हैं? जीवित वापस नहीं जा पाओगे। प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान इस बाधा पर भी विजय प्राप्त करेगा। उद्दंड वानर, तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी दृष्टि से बच जाओगे? लंकनी नाम है मेरा, लंका की सुरक्षा कार्य है मेरा। बिना मेरी अनुमति के कोई कीट भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता, और तुमने ये दुस्साहस कर बहुत बड़ा अपराध किया है वानर। लो अब भुगतो उसका दंड। देख, तेरी मृत्यु तेरे समीप है। बच गए। बहुत चतुर समझते हो ना तुम अपने आप को वानर। मैं भी देखती हूं कि तुम अपनी चतुराई से कब तक बच सकते हो। Yeah.
शंखनी को अपनी स्फूर्ति दिखाकर अपना बचाव कर रहे हो कपटी वानर। तो लो, अभी मैं तुम्हें अपनी मायावी शक्ति से परिचित कराती हूँ। ये तो अदृश्य हो गई। बहुत हो गया, हनुमान को अपने कार्य में विलंब हो रहा है। पुनः बच गया ये कपटी वानर। पीछे स्वयं पर घात लगते ही सामने आ गई ना लंकिनी। को छकाकर उसे और क्रोधित करने की बहुत बड़ी भूल कर रहा है कपटी वानर। कहा था ना, लंकनी तुझे मसल कर रख देगी। पुनः बच गया ये चतुर वानर। लंकनी के साथ क्रीड़ा। लंकनी के साथ क्रीड़ा मसल देगी लंकनी तुम्हें।
कोई साधारण वानर नहीं हो, किंतु जो भी हो लंकनी के हाथों से नहीं बच सकते। लंकनी के प्रहार से अब तुम बच नहीं सकते वानर। विकट से विकट परिस्थितियों में आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए और समस्या कितनी भी बड़ी हो डटकर उसका सामना करना चाहिए।